जो सोलर वाटर हीटर्स हैं उसके अंदर का ये जो है, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये डबल ग्लास कोटिंग है ये, तो अंदर में इसका एक लेयर है एंड ये एक्सटर्नल। अंदर में देखिए ये ब्लैक कोटिंग है और इसके अंदर जो है वो पानी जो है वो ट्रैवल करेगा, और इंटरनल ग्लास कोटिंग है, उसके बाद एयर है, उसके बाद ये एक्सटर्नल ग्लास कोटिंग है। तो जो ये कलर वाला ट्यूब देख रहे हैं आप, वो अंदर में है, उसके बाहर एक दूसरा ये ट्यूब है। इसको फिट कैसे किया गया है कि ये देखिए कि आपके अंदर, इसके अंदर ग्लास के दो दो ट्यूब्स हैं और इसको ये क्लिप से टच किया गया है। तो बाहर वाला जो है इसको फिर उसका प्रोसेस है, ग्लास मेकिंग का प्रोसेस, जिसके ऊपर इसके ऊपर एयर के साथ ये इसको कनेक्ट करके दिया गया है। ये थर्मो सिम्फन टेक्नोलॉजी से काम करता है। ऐसा है कि जब ये ट्यूब्स इस टाइप से लगे रहते हैं साउथ के फेसिंग करके, तो जैसे गर्म पानी इसके अंदर जाएगा, जो पानी हीट होगा तो हीट होके कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है, हीट प्रोसेस होता है कन्वेक्शन वाला, पानी ऊपर आएगा और जो ठंडा पानी है वो नीचे जाएगा। सो ऑब्वियसली जो सोलर वाटर हीटर टैंक्स होते हैं उसके टॉप पे आपको हमेशा हॉट वाटर मिलेगा। ये स्पेयर ट्यूब्स ऐसे आते हैं। सो सोलर वाटर हीटर के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हम आगे के वीडियोज़ में भी बनाते रहेंगे। ये स्पेयर ट्यूब्स ऐसे रहते हैं और इसको रिप्लेस करना बड़ा आसान होता है, बस ये है कि इसको थोड़ा केयरफुली करना है क्योंकि ग्लास है तो ब्रेकेज हो सकते हैं, बट अगर नहीं तो वैसे कोई दिक्कत नहीं। और क्लीनिंग के लिए कैसा, आप ये ट्यूब्स को जैसे निकाल लीजिए सोलर वाटर हीटर से, और इसके अंदर जो है माइल्ड एसिड, डाइल्यूटेड माइल्ड एसिड डाल के आप इसको साफ़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ शाश्वत पंडा अगेन साइनिंग ऑफ विथ सोलर टेक्निकलिटीज़।